राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपकी एक्स्ट्रो आपको बताने जा रही है सूर्य का राशि परिवर्तन। जी हाँ, 14 मई से सूर्य का मेष राशि से वृषभ राशि में राशि परिवर्तन हुआ है, जिससे सभी राशियों पर इसका शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, पर कुछ राशियों पर ज़्यादा और कुछ पर कम। पर चार विशेष राशि ऐसी हैं जिन पर इसका असर काफ़ी अच्छा पड़ेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है अब तक अगर उनके लाइफ में कुछ ऐसा संघर्ष चल रहा था या कुछ ऐसा नेगेटिविटी चल रही थी, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनको निजात मिलने जा रही है। और सूर्य जो प्रधान है सभी ग्रहों में, सूर्य देव की कृपा उन पर होने वाली है और उनके आगमन से ही उनकी ज़िंदगी में रोशनी उजाला हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी विशेष राशि हैं। वे विशेष राशि हैं वृषभ, सेन, धनु और मीन। और इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये मैं आपको जानकारी दूंगी। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का गोचर वृषभ राशि में लगन भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको अपनी जिंदगी में मान सम्मान प्रतिष्ठा के भरपूर योग बन रहे हैं। समाज में उनकी अलग एक प्रतिष्ठा, एक छवि, अच्छी छवि साबित हो सकती है और उनके वैवाहिक जीवन में भी उनको काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। अगर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई वृषभ राशि वालों की, नवजातों की, तो उनको हो सकता है कि अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर का योग बन रहा है या लव मैरिज के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे भी योग बन रहे हैं जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कह सकते हैं कि आपके कार्यस्थल में भी आपको अच्छी योग बन रहे हैं, जिससे धन का आगमन के योग आपकी लाइफ में हो रहे हैं और आपकी लाइफ काफ़ी आगे भविष्य में काफ़ी उज्जवल और खुशनुमा साबित होगी सूर्य के परिवर्तन से। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य का गोचर सिंह राशि में दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में होने से उनके कार्य क्षेत्र में उनको काफ़ी मुनाफा हो सकता है, काफ़ी लाभप्रद उनको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि उनको अब तक की धन की जो परेशानी चल रही थी उसमें उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की वजह से अगर उनको परेशानी चल रही थी, उनका स्वास्थ्य काफ़ी बहुत तेज़ी से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और पारिवारिक जीवन भी उनका काफ़ी खुशनुमा रहेगा और धन और लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा बरसने वाली है। ये समय उनके लिए काफ़ी खुशनुमा और अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। सूर्य का गोचर धनु राशि में छठम भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको शत्रुओं से राहत मिलेगी। ये भी कह सकते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। अगर आप किसी कर्जे की वजह से परेशान चल रहे थे, कर्जों में भी आपको राहत मिलेगी, कर्ज भी आपको उतरेंगे और आपके व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है और पारिवारिक जीवन में भी आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और सूर्य की असीम कृपा की वजह से आपके जीवन में जो अभी तक अंधकार छाया हुआ था वह भी दूर होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। सूर्य का गोचर मीन राशि में तृतीय भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको हो सकता है कि नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं या व्यवसाय में भी उनके ऐसे योग बन रहे हैं कि अगर आप व्यवसाय में अभी तक आप लॉस का सामना कर रहे थे, उसमें भी आपको धन के योग बन रहे हैं। किसी मित्र या सहयोगी की सहायता से आपको आगे ऐसे कुछ अवसर मिलेंगे जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। और जिन लोगों के जीवन में अभी तक संतान सुख नहीं था, तो उनको भी संतान सुख के योग बन रहे हैं, ये उनके लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ अगर आपके माता पिता की तबीयत परेशानी चल रही थी या उनकी तबीयत खराब थी, तो उनमें भी आपको राहत मिलेगी। आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में जो अब तक की परेशानियाँ थी, या कह सकते हैं कि अभी तक आप अपने मनवांछित फल नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, चाहे कारोबार में हो चाहे नौकरी में हो, तो आपको वह कारोबार में और नौकरी में आपको अवसर प्राप्त होंगे। और बड़ों के आशीर्वाद से आपको हो सकता है कि प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं, कि आप कोई नई कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कोई वाहन लेने की भी सोच रहे हैं, तो वह भी आपकी संभव हो सकती है। तो ये था चार राशि वाले। बाकी जो राशि है वो क्या करें, अगर आपकी जो बाकी राशि रह गई हैं उनको क्या करना चाहिए अपने सूर्य परिवर्तन की वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानी ना हो या उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको करना चाहिए
सूर्य उदय के वक्त आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, खास करके तुला राशि वाले, कर्क राशि वाले और मकर, कुंभ ये राशि वाले, खासकर इनको सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए ताकि उनके ऊपर सूर्य की असीम कृपा बनी रहे। और साथ ही साथ अगर आप जिस टाइम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, ओम आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कुछ गेहूं के दाने या गुड़ आपको अवश्य डालकर उनको जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपका सूर्य प्रबल होगा और सूर्य का शीलन होगा और जो परेशानी आपको सूर्य परिवर्तन की वजह से आ रही है उनमें आपको निजात मिलेगी। तो ये था सूर्य परिवर्तन से क्या किन राशियों को लाभ मिलेगा और किन राशियों को नुकसान हो सकता है और क्या उपाय करके आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय और पा लीजिए हर परेशानी से निजात। आपकी एक्स्ट्रो आपके साथ हमेशा है। अगर मेरे चैनल अच्छा लगा उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि औरों तक भी ये जानकारी पहुँचाइए, औरों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपको किसी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं या आपको हल नहीं मिला या लाख उपाय करके भी आप हार चुके हैं तो मैं स्क्रीन पर दिए नंबरों से आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार हर वक्त आपके साथ है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। राधे राधे।